दोस्तों हम आप बच्चों के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करा रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो कि 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आया हुआ है। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद में आपको कैसे इसका आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा था कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स एजम्पशंस एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंस। व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट एक्सप्लेन। तो इसके अंदर बच्चों तमाम चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको बतानी चाहिए। तो हालांकि मैंने ये वाला टॉपिक जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी वीडियो में करवाया हुआ है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए उस वाले टॉपिक को मैं रिप्लेस करके यही वाला टॉपिक जो है वो अपने सभी वीडियो कोर्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली शुरुआत आपकी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आप सबको पता है, मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हम किसी को खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो गिर जाता है। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को यूज़ करता है और जैसे ऐसे उस कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता है, उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो लगातार घटता चला जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर unit of a commodity, the marginal utility received from each successive unit goes diminishing. इसकी क्या वजह है बच्चों? इसकी वजह ये होती है कि हमें किसी वस्तु को पाने की इंटेंसिटी होती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को यूज करते हैं, मान लीजिए एक आपने पानी पिया, तो पानी पीने की जो तीव्रता है, इच्छा है, वो लगातार आपकी कम होती चली जाएगी पानी पीने के साथ साथ। मान लीजिए आपकी कॉफ़ी पीने की इच्छा है और आपने क्या किया, कॉफ़ी पी लिया, तो जैसे ही आपने कॉफ़ी पिया आपकी जो डिज़ायर ऑफ थी वो सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, बल्कि अगर आप सेकंड कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी पीते हो तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बच्चों इस लॉ को बनाने का काम किया था गौसन ने, तो गौसन के इस लॉ बनाने की वजह से ही इसको गौसन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं गौसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इट इज ऑल्सो नोन एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके नाम याद रखिएगा बच्चों, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, गौसन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों इकोनॉमिक्स में जैसे डिमांड का लॉ है, सप्लाई का लॉ है, कुछ बेसिक्स लॉ हैं, इसी तरीके से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक बेसिक लॉ है, सभी चीज़ों पर लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। तो बच्चों ये टॉपिक जो है ये स्टेट पीसीएस में तो आया ही आया है, हालांकि और भी जगह इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं आपको एक मैसेज वीडियो मैसेज देना चाहता हूं, पहले आप वो वीडियो मैसेज देख लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो संदेश उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने पूरी की पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। तो अगर आप बहुत महंगी फीस से दुखी हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल चार्ज में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। इसके अलावा उसमें पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ एजम्पशंस की। देखिए एजम्पशंस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उस नियम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो तभी लागू होता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मैं अपने घर से कॉलेज एक घंटे में पहुंच जाता हूं, लेकिन इसमें हमने एजम्पशन माना है कि सामान्य ट्रैफिक रहेगा, मेरी गाड़ी खराब नहीं होगी, मैं कार से जा रहा हूं, तभी ये लॉ लागू होंगे। यानी कि एजम्पशंस किसी थ्योरी के साथ जुड़े हुए चीजें नहीं होती, बल्कि उस थ्योरी में जो चीज माना जाता है वो हम मान के चल रहे हैं। तो जब हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, इसका मतलब ये भी कुछ बेसिक्स लॉ पर बेसिक्स कुछ लॉ है उसको ये फॉलो करेगा। तो सबसे पहला हमने ये माना है नंबर वन कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, तो हम यहां पर यह मान के चल रहे हैं कि जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो लगातार गिरता चला जाएगा। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा, यानी कि हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि कितना गिरा।
इसके अलावा बच्चों रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो जो आपकी डिजायर को और बढ़ा दे। मान लीजिए मुझे बहुत तेज पानी पीने की इच्छा है, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए एक कप ऑफ टी की जगह ग्लास ऑफ वाटर की जगह स्पून ऑफ वाटर दिया गया है, तो जैसे ही मैं स्पून ऑफ वाटर पीऊंगा मेरी जो इंटेंसिटी है पानी पीने की वो और बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप किसी क्वांटिटी को दे रहे हो और वो क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो रीजनेबल क्वांटिटी होगी तभी आप उस कंजम्पशन करने से आपके सेटिस्फेक्शन में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंज्यूमर रैशनल है, उसकी मानसिक कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वो अपनी वांट्स को मैक्सिमम करना चाहना चाहिए, यानी कि अगर मुझे भूख लगी हुई है तो आइसक्रीम और छोले भटूरे खाने के ऑप्शन में मैं हमेशा छोले भटूरे खाऊंगा, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मुझे पता है कि आइसक्रीम से पेट को नहीं भरा जा सकता। इसके अलावा बच्चों कंटिन्यू कंजम्पशन भी होना चाहिए। कंटिन्यू कंजम्पशन का मतलब है टाइम लैग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने एक कॉफ़ी मॉर्निंग में पी और एक कॉफ़ी इवनिंग में पी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ जाएगा या सेम रहेगा। सेटिस्फेक्शन लेवल तभी गिरेगा, संतुष्टि का लेवल तभी गिरेगा जब आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को लगातार कर रहे हो, जब आप किसी गुड्स के कंजम्पशन को कंटिन्यूसली करते हो तब जाके आपका सेटिस्फेक्शन गिरता है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी कि हर यूनिट की यूटिलिटी अलग अलग है, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी अलग अलग है, हर गुड्स की यूटिलिटी अलग अलग है, यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक की यूटिलिटी को दूसरे के साथ मैच कर लें। इसके अलावा बच्चों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी जो है क्वालिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है मान लीजिए आपने पहले दाल खाई, दाल में तड़का भी नहीं था, दाल में मक्खन भी नहीं था, तो डेफिनेटली आपको दूसरी दाल जो कि मक्खन वाली होगी, तड़के वाली होगी, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी कि लॉ तभी लागू होगा जब गुड्स जो हैं वो एक जैसी हों, अगर गुड्स अलग अलग हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग अलग रहेगा। तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इसमें हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट है। अगर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी चेंज हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हम डायग्राम की बात, अच्छा एक और चीज़ हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पे अजम्पशन में, फिक्स इनकम एंड प्राइस, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स है और जो प्राइस है वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, हालांकि बहुत आसान डायग्राम है, कोई इतना मुश्किल डायग्राम है नहीं, जिसमें ये बताया हुआ है कि एक यूनिट आप गुड्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100 है, जैसे आप दूसरी करोगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल घट के 75 हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, एक यूनिट आप यूज़ कर रहे हो तो 100 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यूटिल्स, इसको बोलते हैं यूटिल्स में। ये बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा रखा है कि कैसे इसका मेजरमेंट होता है। इसके अलावा दूसरा यूज़ कर रहे हो चॉकलेट का, तीसरा यूज़ कर रहे हो, चौथा यूज़ कर रहे हो, पांचवा यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ऐसे आप ज़्यादा चॉकलेट खाओगे आपका सेटिस्फेक्शन लगातार घटता चला जाएगा और पांचवी पॉइंट पर आपका सेटिस्फेक्शन जीरो हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड सेटिस्टी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्टी का मतलब है संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि हो गई यहाँ पे, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि, यानी कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। इसका बेटा मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हो तो आपका जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप छठी यूटिलिटी यूज़ करते हो चॉकलेट की तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, और सातवीं करोगे तो आपको और ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि आपका दांत खराब हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको दस्त हो सकते हैं या आपको मुश्किल आ सकती है अगर आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाओगे। यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद अगर आप उसका कंजम्पशन जारी रखोगे तो पॉजिटिव मिलने की जगह आपको ये नेगेटिव मिलेगा। तो बच्चे देखिए हमारे क्वेश्चन का जो पॉइंट था पहला, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने बता दिया, अजम्पशन बता दिए, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो बच्चों एक्सेप्शंस उस केस में कहा जाएगा, इस डायग्राम और टेबल को आप अपने आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बहुत आसान है एक्सप्लेन करना। एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो कंडीशंस जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। देखिए ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल लॉ है, साइंस की तरह हर जगह लागू होगा, कुछ तो इसके एक्सेप्शंस केस होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि ये लॉ हर जगह लागू काफ़ी हद तक होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशन में डायग्राम इस तरीके का बने ऐसा, यानी कि एक बार आपकी यूटिलिटी पहले बढ़े फिर घटनी शुरू हो जाए,
ठीक है, तो यानी कि एक्सेप्शंस केस कब कहलाएगा, जब आपकी यूटिलिटी बढ़े, तो यानी ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, जब आप ज़्यादा यूनिट यूज़ करने से आपकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे और आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसी होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में, यानी कि मनी की टेंडेंसी बच्चों इस तरीके की होती है कि जिसके पास पैसा होता है उसके लिए और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की लालच बढ़ जाती है। तो बच्चों गांधी जी ने एक बार कहा था कि इच्छाओं की तो पूर्ति की जा सकती है पर लालच की नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लालची है, किसकी डिज़ायर पैसे को पाने की बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे उसके पास पैसा आएगा उसकी डिज़ायर पैसे को पाने की और बढ़ती चली जाएगी। यानी कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द कमोडिटी कंज्यूम इज मनी, सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज पर्सन गेट मोर एंड मोर मनी। लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता, कुछ व्यक्तियों पर ही लागू होगा। तो इस तरीके के लोग जो पैसे को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं उनको ज्यादा पैसा मिलने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा बच्चों रेयर कोई चीज़ है, एंटिक चीज़ है, देखिए कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक होता है जो एंटिक होती हैं। मान लीजिए कोई पुराने ज़माने की पेंटिंग इकट्ठे करने लगा, कोई पुराने ज़माने के सिक्के इकट्ठे करने लगा, तो जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा पेंटिंग इकट्ठी होगी, जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा सिक्के इकट्ठे होंगे या जैसे जैसे उसके पास एंटिक चीज़ें इकट्ठी होंगी, उसका ऐसी चीज़ों को पाने के प्रति इच्छा, ऐसी चीज़ों को पाने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इफ़ कंज्यूमर is willing to buy rare collection, ऐसी चीज़ों में लागू नहीं होता बच्चों ये लॉ। यानी कि ऐसी चीज़ों में लॉ क्या होता है कि जब ज़्यादा गुड्स होंगी तभी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको क्लियर करने चाहिए। इसके अलावा एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका दिमाग खराब हो गया है, पागला गया है, या मान लीजिए कोई ऐसी नशा कर लिया है जिसमें उसको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि अस्टेबल माइंड की स्थिति में ये लागू नहीं होता। इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति हैबिचुअल हो जाए, एडिक्टेड हो जाए। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स के, शराब के, सिगरेट के हैबिचुअल है, उनको खाना ही खाना है। कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं। अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सिगरेट के बॉक्स पे या तम्बाकू के बॉक्स पे कि इसको खाना हानिकारक है, यानी कि आप जहर भी खा रहे हो और खुद से भी खा रहे हो, पैसा लेके भी खा रहे हो। तो ऐसा पागलपन भी कुछ लोग करते हैं, यानी कि जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जो एडिक्टेड हो जाते हैं उन पर भी ये लॉ लागू नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, आपको सारे के सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा बच्चों एक तरीके से कह सकते हो कि जो होमोजीनियस नहीं है गुड्स, यानी कि इनहोमोजीनियस गुड्स है, मान लीजिए किसी गुड्स का डिज़ाइन, शेप, साइज बदल जाता है, जैसा कि हमने आपको अजम्पशन में बताया था। अगर अजम्पशन लागू नहीं होता, होमोजीनियस गुड्स नहीं होती, तभी भी ये लॉ लागू नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए पहली गुड्स जो है वो कम क्वालिटी की है और दूसरी गुड्स ज़्यादा क्वालिटी की मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको दूसरी गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा बच्चों चेंज इन कंज्यूमर इनकम, अगर देखिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो डेफिनेटली कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू लेस गुड्स, यानी कि उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा कंज्यूमशन यूज़ करेगा। इसके अलावा कंज्यूमशन इन डिफरेंट पीरियड, देखिए कंज्यूमशन इन डिफरेंट पीरियड का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे कंज्यूमशन इन डिफरेंट पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंज्यूमशन टाइम लैग के बाद कंज्यूमशन करता है तो उसके सेटिस्फेक्शन गुड्स को यूज़ करने में ज़्यादा होगा। इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट हम जोड़ सकते थे, यहाँ पे लिखा नहीं है, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक में भी ये लागू होता है। जब हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो शुरू में इतना अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे वो हमें और अच्छा लगने लग जाता है, जैसा अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो उसका इंटरेस्ट गिरने लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। तो सबसे पहला है कि बेसिस ऑफ अदर लॉ, देखिए बहुत सारे लॉ और बने हुए हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इसके अलावा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये सारे के सारे जो लॉ हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे ही बने हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के भी कई सारे लॉ हैं जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे ही बने हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बहुत सारे लॉ का बेस है। इसके अलावा बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, अब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब है कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा कर देगा, जिसकी इनकम कम है वो कम कर देगा। इसकी वजह भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, भाई जिसके पास इनकम ज्यादा है उसके लिए मनी की यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी, इसलिए वो ज्यादा टैक्स दे।
इसी तरीके से जिसके पास इनकम कम है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगी, इसलिए वो कम टैक्स दे, तभी तो इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होगा। यानी कि अगर अमीर और गरीब से बराबर बराबर टैक्स ले लिया जाएगा तो जो टैक्स का बर्डन है वो गरीब पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि टैक्स का बर्डन प्रोग्रेसिव रहे, टैक्स का बर्डन इक्वल रहे, टैक्स अमीर और गरीब दोनों पर पड़े बराबर बराबर रूप से, तो आपको अमीर से ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए मेरे 1,000 रुपये गवर्नमेंट ले ले और अंबानी के 1,000 रुपये ले ले, तो अंबानी पे क्या फर्क पड़ रहा है 1,000 रुपये देने का? तो ये बातें भी आपको समझनी पड़ेंगी, इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स की हम बात करते हैं बच्चों। इसके अलावा है द बेसिस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ सर्विसेज देती है। हालांकि कितना देती है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी है, कौन से राज्य में है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक है वो पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के भले के लिए काम कर रही होती है। अब हम ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कहाँ स्कूल पहुँचाया जाए, कहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ है। यानी कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए ऐसे इलाकों में स्कूल खोले जाते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं या जो पिछड़े हुए इलाके हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का एक पॉइंट आता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। देखिए पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में हम अलग से वीडियो बना रखा है, जिसको हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें है ये वीडियो, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि डायमंड और वाटर में डायमंड की कीमत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है। देखिए डायमंड स्केयर है इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, यही पैराडॉक्स है। लेकिन होना ये चाहिए था पुराने ज़माने में कि जिसके यूज़ ज़्यादा है, जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उससे की ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में वाटर का तो बहुत सारा यूज़ है, बिना पानी के बिना तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम है। जबकि डायमंड की तो कोई कीमत ही नहीं है, उसको कौन पहनता है, सॉरी उसको कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। इवन पहनने में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, लेकिन फिर भी उसकी कीमत ज़्यादा है। तो इसकी वजह स्कैर्सिटी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी समझाने का काम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करता है। इसके अलावा फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरियस फैक्टर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, कितने यूज़ किए जाएंगे उन फैक्टर का भी, उसका भी जो बेस है वो यही लॉ है। तो बच्चों ये पॉइंट हमारे कवर होते, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू क्यों होता है, तो ये भी आपको समझाना पड़ेगा बच्चों। तो इसके अंदर सबसे पहला है फॉल इन दी इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में हम बचपन से कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि भैया कौआ प्यासा था, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी या बहुत एफर्ट करने को तैयार हो जाओगे, लेकिन एक बार आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, एक बार आपने पानी पी लिया, तो आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि आपको एफर्ट करवा कौन रहा है, आपको एफर्ट करवा रहा है आपकी वॉन्ट्स, आपकी यूटिलिटी, क्योंकि गुड्स को कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब आप किसी गुड्स को कंज्यूम करो। तो ये भी बच्चों एक पॉइंट है जो आप अपने साथ जोड़ सकते हो। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन किसी स्पेसिफिक वांट्स की पूर्ति की जा सकती है। आप पनीर की सब्जी तो खा सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अपनी सभी जरूरतें पूरी कर लो, लेकिन कोई स्पेसिफिक वांट्स को पूरा कर सकते हो, इसीलिए उस स्पेसिफिक वांट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो घट जाता है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव यूज ऑफ कमोडिटी, देखिए एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर उस कमोडिटी का यूज उस काम में करेगा जिसको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, फिर उस काम में करेगा जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिले, और सबसे अंत में उस काम में करेगा जिससे उसे सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा काम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब ज़्यादा यूटिलिटी, कम काम में कम सेटिस्फेक्शन यानी कि कम यूटिलिटी। इसीलिए एक साधन का प्रयोग ऑल्टरनेटिव होने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होता है। इसके अलावा बच्चे एक पॉइंट और है जो मैं इसमें जोड़ नहीं पाया, वो था फोर्थ पॉइंट, जिसे आप कह सकते हो कि गुड्स आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, यानी कि गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोटी और चावल दीज आर टू गुड्स आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि रोटी खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो चावल खाने से नहीं मिलेगा, या चावल से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो रोटी से नहीं मिलेगा। इसीलिए जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाता हूँ तो मेरी रोटी खाने की प्रति इच्छा जो है वो घटती चली जाती है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा अगर आप लिखते हो, देखिए मैंने
इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ या आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना करना पड़े, सारे पॉइंट हमने बच्चों कवर किए हुए हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उनके थ्रू भी वीडियो देख सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।